एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था, यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की दो बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा, उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में दो बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापिस चला जाता है। शिष्य बड़ी ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध सब बात बताता है। उसे एक शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक का संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता, तालाब का पूरा पानी साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर यह बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का है। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रही सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहां से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं, इन सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आ जाई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे, तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद उनका नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखो, जिस भी व्यक्ति को जिंदगी में कुछ करना है, उसे अपनी सही समय का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ये मांग है हमारी कुदरत की, इसमें दो राय नहीं है। अगर आप कोशिश कर रहे हो अपने डायमंड जैसे लक्ष्य को पाने की, या फिर यूं कहो कि अपना सपना सच करने की, तो मेरे साथियों,
आपको सब्र तो करना ही पड़ेगा, और ऐसा करते करते कब आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो आज की हमारी इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी की हर कठिन परिस्थिति में अपने सही समय का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा, अगली वीडियो किस प्रकार की देखना चाहें और किस टॉपिक पर जरूर बता के जाना। बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही हमारे चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी, जिंदगी बदलाव से संबंधित हाई पावर मोटिवेशनल वीडियो, प्रेरणादायी बातें और महान लोगों के अनमोल विचार सुनते रहें और अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।